नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमको फिर से बनाना पड़ा क्योंकि हमने उस कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें सनवर की सर्किट मिस हो गई थी और यहाँ पे इसके वोल्टेजेज जो कुछ डिफरेंस हो गए थे, तो इसको हमने जो है फिर से सर्किट डायग्राम को कंप्लीट किया है तो पूरी तरीके से ट्रेस आउट करके, क्योंकि कल आज भी बहुत गर्मी है लेकिन कल जो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई था इसलिए जो है जल्दीबाजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बनाने में। तो इसमें ये जो हमने सनवर सर्किट को जो है कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका SMPS का, यहाँ पे इसका पिन यानी ये पॉइंट ये सीधे STR के इस पिन से जो है यानी फर्स्ट नंबर से ये कनेक्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव जो प्लस 300 वोल्ट की सप्लाई है ये यहाँ पे जाएगी और यहीं से एक जो है कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि 20K 5 वाट में है और ये जो कैपेसिटर है PF ये 10K PF है, 1KV यानी 1000 वोल्ट का है और बीच में एक डायोड है और नीचे है 3.2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो क्वार्टर वाट में है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे 1N5408 ये 4 डायोड लगे हैं और ये यहाँ पर ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि है 100N और 440 वोल्ट ये, और नीचे ये जो लाइन फिल्टर का कैपेसिटर लगा हुआ है 100 MFD 450 वोल्ट का लगा हुआ है। यहाँ पे जो लाइन फिल्टर कॉयल लगे होते हैं वो इसमें नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ न्यूट्रल और फेज इन किया गया है। एक ग्लास फ्यूज है 5 एम्पियर का और ये है NTC एक, बस इतना ही यहाँ पर यूज किया गया है जो मेन लाइन से रिलेट करता है। उसके बाद यहाँ DC बना के फिल्टर करके 300 वोल्ट यहाँ SMPS में जाता है। अब यहाँ पे इसको डिजाइन करने का जो मतलब है कि इसलिए है कि इस समय जो जैसे लाइन कट ऑफ चल रही है और बहुत सारे लेड एसिड बैटरी मार्केट में अवेलेबल हैं, अभी बहुत ही संख्या में हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहे हैं कि लाइन कट ऑफ के दौरान जो DC फैन यूज़ कर लिए जाते हैं बैटरी से डायरेक्ट, उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए कहीं कहीं एक एक दिन बाद आता है लाइट तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है डीप डिस्चार्ज। तो डीप डिस्चार्ज में ये प्रॉब्लम आती है चार्जिंग को लेकर और चार्जिंग के लिए कहीं कहीं ये चार्जर अवेलेबल नहीं होते, तो उस कंडीशन में इन्वर्टर लोग चेक कराते हैं, इन्वर्टर चेक कराते हैं तो प्रॉब्लम आता है कि बैटरी ख़राब है। अब किसी के पास ये चार्जर होता नहीं कि इन्वर्टर की जगह पर मान लीजिए किसी टेक्नीशियन के पास अगर ये चार्जर हो और कस्टमर को अवेलेबल करा दे और फिर ये वापस लाकर टेक्नीशियन को दे दे तो एक कस्टमर का काम हो जाता है। तो इसी को सोचकर हमने इसको डिज़ाइन किया कि सभी लोग के पास में एक ऑप्शन हो जाए कि किसी भी कस्टमर का अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम आता है कि डीप डिस्चार्ज है तो उसे ये ऐड करा सकते हैं, दे सकते हैं कस्टमर को। तो ये काफ़ी ईजी है बनाने में। ये SMPS सप्लाई आपको CRT के जो पुराने ओल्ड CRT के किट होते थे उसमें आपको SMPS की सप्लाई मिल जाएगी। इसमें क्या है कि 15 वोल्ट ये जो फीडबैक का वाइंडिंग है ये फिक्स है तो यहाँ पर कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। परिवर्तन इसके जो है सेकेंडरी में करना पड़ेगा। सेकेंडरी में इसके डाटा शीट को देख कर यानी जैसे इसकी वाइंडिंग जो कैलकुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसके टर्न और ये SW यानी इसके वायर गेज को सेलेक्ट करके और आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो ये है, यहाँ जो डायोड लगेगा ये एक हीट सिंक के द्वारा यहाँ टाइट किया जाएगा, ठीक है। इसका नंबर यहाँ पर ये है और ये जो DC सप्लाई बनेगी ये 16.30 होगी यानी 16.30, जैसे 14.4 पे हमारा बैटरी फुल हो जाता है ट्यूबलर का, तो उस कंडीशन में जैसे आप इन्वर्टर लगाए और इन्वर्टर लगा हुआ है लाइन आई एक सेकंड बाद या एक मिनट बाद बैटरी फुल बता दिया, अब उस कंडीशन में बैटरी चार्ज तो होगी नहीं, चार्ज होगी कहीं उसमें ट्रिकल चार्ज चलेगा 1 एम्पियर का। उसके दौरान यानी उसी समय इस चार्जर को आप वहाँ पर बैटरी से ऐड कर दें, जोड़ दें प्लस का प्लस पे और माइनस का माइनस पे, तो निगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दें और वो 8 घंटे में लगभग किसी भी ग्रेविटी को वो मेंटेन कर देगा। अगर 8 घंटे में नहीं मेंटेन होता जो चेक करने पे तो उसे और भी बढ़ा सकते हैं। वैसे इसके साथ जो है आवर्स मीटर लगता है, उसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे स्पेस है नहीं, उसे हम नेक्स्ट बना देंगे। आज ही इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें और क्लियर से
ये सारे वोल्टेज को आप देख लें जूम करके, और अपने हाथ से अगर बनाना हो तो भी इसको क्लियर करके बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही काम का डायग्राम है। ये आपका मार्केट में जो ये चार्जर मिलेगा 1500-2000 का, ये आपका बहुत ही कम पैसे में अवेलेबल हो जाएगा। ये STR बहुत ही काम का है। इसमें जैसे आप एक मॉड्यूल यूज करते हैं, ऐसे इसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर दो कैपेसिटर, एक ग्राउंड है, और ये जो है सीधे 15 वोल्ट यहाँ पर देखिए, जो सॉरी ये 220 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 220 के रेजिस्टेंस 1 वाट में है। ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग सप्लाई है जो कि 300 वोल्ट से ये जाएगी, तब ये STR स्विच करना स्टार्ट करेगा, तब इसके जो है सेकेंडरी में वोल्टेज ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो ये उसी के अनुसार जो है, यानी क्या कह रहे थे, हाँ SMPS, उसी के अनुसार आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके सेकेंडरी में यहाँ 4725 वोल्ट का दो कैपेसिटर यूज किया गया है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो ये 5 वाट का है, 5 वाट का 0R01। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट्स है। और दूसरी बात है, जो दो जीनर लगे हैं यहाँ पर देख लें, 8.2 और 6.2, ये सीरीज में है। अब यहाँ पर सबसे पहले रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4K7, उसके बाद 6.2 यानी 6.2, फिर उसके बाद 8.2। ये अगर क्लियर ना हो तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लें, और उसी के अनुसार ये डिजाइन करेंगे तो आपका पूरी तरीके से परफेक्ट काम करेगा ये। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देखें, ये 547 नंबर का ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, जिसकी बेस बायसिंग यहाँ पर ये 5 वोल्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अरे सॉरी 5 वोल्ट का ये जीनर लगा हुआ है, जिससे यहाँ पे 5 वोल्ट फिक्स किया गया है। फिर ये 3K9 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेस पे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। फिर ये नीचे जो है रिवर्स बायसिंग का, जो यानी बेस बायसिंग यहाँ पे फिक्स होगा, तो ये 330 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है जो निगेटिव से डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी इस रेजिस्टेंस, यानी ये जो निगेटिव है और ये निगेटिव, यानी दोनों के बीच ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे उसमें शंट रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ऐसे यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लस और ये निगेटिव माइनस, तो ये निगेटिव पॉजिटिव का जो सप्लाई बनेगा 12 वोल्ट बैटरी के लिए 60 AH से लेकर 220 AH तक का, यानी आप 250 AH तक के बैटरी को भी बूस्ट कर सकते हैं, उसके ग्रेविटी को मेंटेन कर सकते हैं। टाइम थोड़ा, जैसे बैटरी छोटी है तो टाइम कम लगेगा, बैटरी अगर यानी अगर वाटर हाई है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यानी टाइम को, इसीलिए इसमें जो है आवर्स मीटर लगे होते हैं, उसी के अनुसार ये चार्जिंग कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, कहीं कहीं 8 घंटे 6 घंटे में जब आप इसको लगा देंगे, उसके बाद जैसे उसकी ग्रेविटी मेंटेन हुई वैसे इन्वर्टर उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो इस पे 24 घंटे के अंदर सब मिला के आपका बैटरी कंप्लीट हो जाता है ग्रेविटी, क्योंकि 24 घंटे में क्या होता है, कभी कभी 8 घंटे 6 घंटे लाइट नहीं रहती है, तो ये डिपेंड होता है लाइट रहने के कंडीशन में, तो उसको देखते हुए आप अपने बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हमने इस सर्किट डायग्राम को विशेष तौर पे बनाया है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जो एक एक्सपीरियंस इसमें है ये कि हमने जो है इसके सारे पोजीशन को चेक किया है, इसकी हीटिंग और चार्जिंग, ये टोटल जो है एक परफेक्ट डिज़ाइन है, इसलिए हम आप लोगों के साथ इसको शेयर किए, और ईजी है, कम कंपोनेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।